अस्सलाम वालेकुम सलाम। सब लोगों से कहो अपना अपना सामान बांधे और अभी और इसी वक्त अपने घरों को जाए। ठीक फौरन। ठीक सब लोग सुनो, खामोश। करामत भाई ने कहा है कि अपना अपना सामान बांधो और अपने अपने घरों को जाएं। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी आए, अपना अपना सामान बांधे, आ जाए आ जाए। अब तो खुश होना जरूर। जी, मैंने आज बड़े अरसे बाद इन लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है। शुक्रिया। शुक्रिया कहकर शर्मिंदा मत करो जिमल, मैं वाकई बदल गया हूं, मेरी रूह तक बदल गई है। गरीबों और मजबूरों को देखता हूं तो रोना आ जाता है। कल रात अचानक आंख खुल गई, सलामों की तकलीफ जहन में आई, पूरा घंटा रोता। मैं तालीम के लिए भी कुछ काम करना चाहता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है करामत भाई, बाबा जान की रूह को भी सुकून मिलेगा। हाँ, बस एक मसला है। क्या? जितना भी सुधर जाऊं, आखिर तो इंसान भटक जाने का डर लगा रहता है। अल्लाह से ताल्लुक जोड़ कर रखें, वो भटकने नहीं देगा। वो तो रखा हुआ है, 5 वक्त की नमाजें, नफली नमाजें, हर वक्त इबादत में ही लगा रहता है, फिर भी भटक जाने का डर नहीं जाता। कुछ नहीं होगा, आप लोगों की मदद कर रहे हैं, देखें सब कितनी खुशी से गए हैं, अल्लाह आपकी मदद करेगा। अल्लाह भी अक्सर इंसानों की सूरत में ही मदद फराहम करता है। बिल्कुल, जैसे कि अगर तुम्हारा साथ हो तो मुझे यकीन है तुम मुझे कभी नहीं भटकने दोगे, जन्नत तक मेरा साथ दोगे। मुझसे शादी कर लो। मैंने सोचा भी कैसे कि करामत खान बदल जाएगा, आप तो मेरी उम्मीदों से ज्यादा गिरे हुए हैं। हर बार आप मुझे अपनी कमीनगी से हैरान कर देते हैं। कहां से लाते हैं आप ये कमीनगी के नए नए रास्ते? अपने मरे हुए बाप के नाम पर और अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके ये हरकतें करते हुए, ये हुलिया बनाते हुए आपको इतनी से भी शर्म नहीं आती? तुम गलत समझ रहे, मैं वाकई बदल। एक मिसाल है, बहुत घटिया है, लेकिन आप पे फिट बैठती है। आप कुत्ते की दुम है, कभी सीधे नहीं होंगे।